हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो आज का जो वीडियो हमने डेडिकेट किया है वो एमबीए का फॉर्म आपको कैसे भरना है उसके लिए हमने डेडिकेट किया है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जितने भी स्टूडेंट्स इस एमबीए के सीईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गूगल में सिर्फ महा सीईटी क्लिक करना है, महा सीईटी महाराष्ट्र सीईटी। तो जैसे ही महा सीईटी आप गूगल पे ऊपर क्लिक करोगे आपको ये वेबसाइट का लिंक दिखेगा, इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको महाराष्ट्र के डीटी के अंतर्गत जितने भी सीईटी होती है उसके नाम देखेंगे, जैसा महाराष्ट्र एमबीए सीईटी, एमसी सीईटी, आर्किटेक्ट सीईटी, होटल मैनेजमेंट सीईटी, तो आपको ये एमबीए एमएमएस सीईटी के ऊपर क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अलग अलग डेट्स दिखेंगे, डेट्स का कॉलम, नोटिफिकेशन का कॉलम दिखेगा। तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जाके जब हम क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 17 को ये फॉर्म चालू हो चुका है एंड 7 अप्रैल तक ये फॉर्म चलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आते रहेगा, बराबर। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन लॉगिन है जो कॉलेज के लिए होता है, ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम पे फॉर्म भरने वाले हैं, राइट। कॉन्टैक्ट अस में आपको यहाँ पे देख सकते हैं नंबर अलग अलग दिए हैं, राइट। और यहाँ पे नोटिस होता है, तो ये नोटिस को हमेशा स्टूडेंट्स को चेक करना होता है, राइट। और यहाँ पे हम चेक करते हैं एमबीए का सिलेबस, बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट हर टाइम कुछ एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर करता है कि जहाँ पे ऑफिशियल लेवल पे आप जाके इस पर्टिकुलर पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। तो जैसा एज यूजुअल जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि देयर विल बी अ 4 सेक्शन लाइक लॉजिकल रीजनिंग, ओके 75 मार्क्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स 50 मार्क्स एंड वर्बल एबिलिटी 50 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा ये और हर एक क्वेश्चन को 5 ऑप्शन होंगे, राइट। नो नेगेटिव मार्किंग, एक ही सीईटी है पूरे देश में कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। बाकी आप कैट देखोगे, स्नैप देखोगे, एटमा देखोगे, यहाँ पे साहब सब जगह पे नेगेटिव मार्किंग होता है। टोटल 150 मिनट्स का पेपर होगा और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा, राइट। तो बेसिक लेवल का ये पेपर आपका होगा जहाँ पे आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी को फोकस करना है। तो अब वापिस हम वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरा एक बेसिक सेगमेंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, तो जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग बैठ सकते हैं। तो 3 इयर्स बैचलर डिग्री के स्टूडेंट जो लास्ट ईयर के या जो पास आउट है, ओपन कास्ट के स्टूडेंट जिनको 50% है और हमारे जो कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको 45% है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे तो 7:30 का रिपोर्टिंग टाइम है स्लॉट 1 को, मॉर्निंग वाला जो स्लॉट है, आपका एंट्री 8 बजे होगा एंड गेट्स आपके क्लोज हो गए 8:30 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8:30 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाती, तो यू आर सपोज टू मेक श्योर दैट कि आप वहाँ पे 8:30 को पहुंचोगे, मतलब पहुंचेगे। फिर 8:30 to 9 o'clock बेसिक प्रोसेस होगा और 9 बजे आपका पेपर चालू होगा जो 11:30 तक चलेगा। एंड सेम गोज विद सेकेंड स्लॉट के लिए होगा आपका ये 12:30 को आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ओके 1:30 के बाद किसी को भी अलाउ किया जाएगा नहीं, बराबर। तो 2 बजे पेपर चालू होगा, 4:30 तक चलेगा। तो दिस वे आपका टाइम टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्म भरने का कॉस्ट है 1000 रुपये फॉर ओपन कास्ट एंड 800 रुपीज फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे एनटी कास्ट एवरीवेयर, बराबर। तो ये बेसिक लेवल का आपका एग्जामिनेशन का रूल्स पता चल गया, ये उसका पैटर्न है जो हमने अभी देखा, राइट। तो इस तरीके से आपका ये पेपर, आपको पेपर के लिए फॉर्म भरना है, राइट। तो ये बेसिक लेवल का उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए आपको कि जिससे आपको एक क्लैरिटी पता चलेगी कि किस तरीके का पेपर आएगा। तो ये आने वाले वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि पेपर दिखेगा कैसा है, किस तरीके से आपको आगे जाना है, राइट। अगेन वी विल गो टू दिस पर्टिकुलर न्यू लॉगिन, यहाँ पे आई हैव रिमेंबर करके क्लिक कीजिए और एक्सेप्ट करके आगे आप चले जाइए। यहाँ पे बेसिक फॉर्म आपको भरना है, तो आपका नाम जैसा 12th स्टैंडर्ड में आपका नाम है उसके हिसाब से, अगेन पापा का नाम, मम्मी का नाम, ओके जेंडर प्रॉपरली चूज कीजिए, डेट प्रॉपरली चूज कीजिए यहाँ पे, यस।
रूलर अर्बन रूलर प्रॉपरली यहाँ पे चेक कीजिए। ये फॉर्म ब्राइटपेस के सारे स्टूडेंट्स को ऑफिस में आके भरना है, बट दो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कम डाउन टू ऑफिस दे कैन फॉलो दिस वीडियो, और अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस के नजदीक रहता है तो दे कैन कम डाउन टू आवर ऑफिस एंड आवर टीम विल हेल्प यू टू फिल अप दिस पर्टिकुलर फॉर्म, बिकॉज थोड़ा सा ये क्रिटिकल फॉर्म होता है जो आपको लास्ट चांस है ये सीईटी को अपेयर करने के लिए, बिकॉज इसके बाद आपकी मेन एग्जाम नहीं होने वाली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिल अप दिस पर्टिकुलर फॉर्म। मैं रैंडम को डिटेल्स डाल रहा हूँ यहाँ पे महाराष्ट्र, सेम एज एड्रेस कर दीजिए, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर डालना है, यही मोबाइल नंबर आपको आगे के सारे प्रोसेस के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, तो प्रॉपर ईमेल आईडी एंड प्रॉपर रोल नंबर मोबाइल नंबर डालिए प्लीज। ओके, पासवर्ड बहुत सिंपल रखिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं यहाँ पे, तो हमेशा हमारा सजेशन होगा आपका नेम और एट द रेट आपके कुछ डिटेल्स वहाँ पे नंबर्स तीन नंबर चूज कीजिए, मतलब नाम एट द रेट और आपके तीन फेवरेट नंबर्स, बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने अभी मेरा नाम एट द रेट 123 लिया है, और जैसे ही मैं सेव प्रोसीड करेगा मेरा बेसिक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा मेरे मोबाइल पे, तो लेट्स सी वेदर आई एम गेटिंग दिस ओटीपी और नॉट। वन सेकेंड आई हैव रिसीव, 36 सेकेंड रह चुके हैं। Still I haven't got the OTP. 25 seconds. No. 15 seconds. Nine seconds. No. अभी भी मेरा पास OTP नहीं आ गया है। ओटीपी आने तक विल अगेन गिव यू द डिटेल्स, जैसे ही ओटीपी आ जाएगा आप ओटीपी पुट अप करोगे आपका ये यूजर नेम क्रिएट हो जाता है, बराबर। एमबी करके यूजर नेम आपका क्रिएट हो जाएगा, अगेन आई विल क्लिक ऑन रिसेंट ओटीपी। ओके, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, मे बी अभी एक ओटीपी आ चुका है, वन सेकेंड आई विल पुट दैट ओटीपी 114161। यस, देखिए ये मेरा अभी एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो चुका है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको बहुत संभाल के रखना है, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट तक आपको यूज करना है, लास्ट मोमेंट तक जब तक आपका कैप राउंड नहीं होता तब तक। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आपको डालना है, मुझे मैसेज आ चुका होगा बराबर, तो देखिए मुझे मैसेज आ चुका है बराबर। हाँ, तो देखिए मैं मैसेज यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल रहा हूँ अभी 225012246। मेरा पासवर्ड जो मैंने सेव किया था वो पासवर्ड, तो लेट्स सी वेदर आई एम गेटिंग एंट्री। यस, देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना है, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। यहाँ पे चार सेंटर आपको पूछा है, ओके, चार सेंटर पे आप जब जाके क्लिक करोगे, देखो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ऑफिशियल यस करना है एंड नो, कास्ट चूज करना है। कास्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूंगा, जब आप एससी कास्ट चूज करोगे तो आपके पास कास्ट वैरायटी है, तो देखो अवेलेबल मतलब जिसके पास है, तो आप अवेलेबल पे ऊपर क्लिक कीजिए, देन दे विल आस्क यू कास्ट वैरायटी। तो कास्ट वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल है तो अवेलेबल जब आप डालोगे तो आपको सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे, बराबर। आगे वो पूछेगा कि आपको अपलोड कर अवेलेबल बट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल्स पूछेंगे आपको कि आपका वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, आपने कभी अप्लाई किया था, और जिन लोगों के पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है उनको बहुत टाइम नहीं मिलेगा कास्ट वैलिडिटी निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप नॉट अप्लाइड के ऊपर क्लिक कीजिए, ओके, और नो करके आप आर यू पर्सन डिसेबिलिटी येस करके येस और नो, बराबर। तो ये सारी चीजें आप वर्किंग करो एंड सेवन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करो, बराबर। ग्रेजुएशन स्टेटस जो टीवाई के स्टूडेंट्स अपीयरिंग के ऊपर डालेंगे, 3 साल का कोर्स फॉर ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग के लिए 4 साल, और आप बीकॉम हो तो बीकॉम या बीएमएस जो भी आप चेक कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र, बहुत सोच समझ के यहाँ पे आप सेंटर डालिए, पहले ठाणे, जो लोग ठाणे के नज़दीक रहते हैं, मुंबई, मुंबई के तीन दो ऑप्शन से मुंबई, मुंबई सब अर्बन एंड लास्ट में आप देख सकते हो ये दूसरा ऑप्शन है, तो वी कैन गो फॉर पुणे,
बराबर 7 प्रो सिटी। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, बराबर। फोटो अपलोड के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और इसकी साइज 20-50 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको नॉर्मल अपलोड करना है, बराबर। तो जैसे ही आप ये अपलोड करोगे, आपको पूरा का पूरा फॉर्म पूरा प्रीव्यू देगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरा है, उसको प्रॉपरली चेक करने का। चेक करने के बाद दे विल आस्क यू टू पे दी फीस। जैसे ही फीस आप पे करोगे, फिर आपका एक PDF जनरेट हो जाएगा। वो PDF आपको प्रॉपरली सॉल्व करके आपके पास सेव करके रखना है। ओके, और इतना इजीली आपका ये 10 मिनट में फॉर्म आप भर सकते हो, राइट। तो जितने भी ब्राइटवेज के स्टूडेंट्स हैं, वी विल मेक श्योर दैट कि आपका फॉर्म हमारे ऑफिस में आप भरेंगे। पर देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, वी वांट टू बी हैपन विथ योर फॉर्म। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप हमारे नंबर्स पर हमको कॉल कर सकते हो। प्लस इसके बाद, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, अगर आपने CET का प्रिपरेशन अभी तक चालू नहीं किया है, और सारे स्टूडेंट्स के लिए हम 4 डेज का वर्कशॉप रखने वाले हैं, जो फ्यू डेज में चालू होने जा रहा है, बराबर। 4 डेज का वर्कशॉप। तो इस वर्कशॉप में इफ यू रियली वांट टू पार्टिसिपेट, 4 डेज का वर्कशॉप होगा ये। इस वर्कशॉप में वी विल बी कवरिंग मैथ्स, बेसिक मैथ्स, लॉजिक, वर्बल, ओके, एंड योर स्ट्रेटेजी फॉर स्कोरिंग। जितना भी आप लेवल पे, उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको खेलनी पड़ेगी। तो इफ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड, आप इस नंबर के ऊपर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। विल एड यू इनटू दैट रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप। ऑनलाइन वर्कशॉप होगा, फ्री वाला वर्कशॉप होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अगर आपको कुछ भी कठिनाई होगी, तो भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व योर बेसिक डाउट्स, ओके। तो गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर CET, एंड आई एम 100% श्योर यू एवरीबडी विल गेट अ वेरी गुड कॉलेज आफ्टर दिस। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।